21 दिसंबर 2007 की रात जहां नए साल का आगाज करने जा रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने का मंसूबा लिए कुछ आतंकवादी आगे बढ़े। उन लोगों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया और हमारे 7 जवान शहीद हो गए और एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई। उसके बाद शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में गुनहगारों को पकड़ा गया। इन्हीं गुनहगारों में मधुबनी के सरकारी थाना क्षेत्र स्थित गंधवारी गांव के मोहम्मद शब्बीर अहमद का बेटा सबाउद्दीन भी एक था, जिसे पकड़ लिया गया था। विगत 19 अक्टूबर को मुकदमे में बहस पूरी हुई और न्यायालय ने 4 दोषियों को फांसी की सजा मुकर्रर की। जिन्हें फांसी की सजा मिली थी वे आतंकी हैं सबाउद्दीन मधुबनी बिहार के, शरीफ उर्फ सुहेल रामपुर उत्तर प्रदेश, इमरान शहजाद पाक अधिकृत कश्मीर और मोहम्मद फारूक गुजरावाला पंजाब पाकिस्तान। सबाउद्दीन अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा है। जब पिता को उसके बारे में यह मालूम हुआ कि वह आतंकवादी गतिविधि के कारण कानून की हद से चढ़ गया है, तो उन लोगों ने सबाउद्दीन से दूरी बना ली और कभी बेटी की रिहाई के लिए पैरवी भी नहीं की। मीडिया से बात पर शब्बीर अहमद ने कहा कि पिछले 12-13 वर्षों से परिवार से सबाउद्दीन का कोई संपर्क नहीं है। बेटा अगर फांसी चढ़ गया तो गम जरूर होगा, लेकिन देश से गद्दारी करने वाला बेटा भी हमें स्वीकार नहीं है। नाम हुआ आपका? शब्बीर अहमद। सुना आपके लड़का को फांसी की सजा हुई है, इसमें कहां तक सच्चाई है? अखबार से पता चला है, न्यूज़ से पता चला है। आपको सूचना नहीं दिया गया था कोर्ट के द्वारा? नहीं। अखबार से आपको पता चला है कि आपके लड़का को फांसी है? तो किस जुर्म में आपका लड़का यूपी के रामपुर जेल में है? 12 साल पहले कोई हादसा हुआ था रामपुर फौजी कैंप पर गोली चलने का, उसी में उसके हादसा के 1.5 महीना बाद कुछ लड़कों को पकड़ लिया गया था, उसमें मेरा बेटा भी था। हमारे यहाँ पुलिस आई सामने, पता चला कि वो वहाँ पढ़ रहा था, बेंगलोर में तालीम हासिल कर रहा था। नहीं, तब हमको पता चला, पुलिस हमारे यहाँ आई कि ऐसा ऐसा हुआ है, लड़का पकड़ा है, इसमें एक लड़का आपका भी है। तब हमको पता चला कि आपका बच्चा कहाँ से अरेस्ट किया था पुलिस? वो हमको नहीं मालूम है कहाँ से अरेस्ट किया। आपको नहीं पता पुलिस ने कहाँ से धरा कि आपको किया हुआ? ये कब की घटना है? फरवरी 2008। ये फैसला कब सुनाया गया? एक नवंबर 2019। इसमें क्या लगता है कि आपका बेटा कहाँ तक निर्दोष है, कहाँ तक दोषी है, आप बता सकते हैं? मेरा बेटा इतना अच्छा नेचर का, स्वभाव का, चाल चलन का रहा है, अभी तक हमको उम्मीद नहीं है कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया होगा। नहीं, इसमें हमको साजिश लग रही है और अल्लाह पर उम्मीद है कि एक दिन जोर बड़ी होगा वो। अभी वो दोषी है तो हम दोषी करा दिया गया है, तो इसलिए हम 12 साल हो गए, अभी तक हम उससे कभी न मिलने गए, न उसके लिए पैरवी किया, न मैंने कोई वकील रखा। नहीं, हमने यही वादा किया था कि जब दोष मुक्त हो जाएगा तो मैं उससे रिश्ता कायम रखूंगा। तो 12 साल में मैंने निभाया, लेकिन अब सजा मिल गई है तो बेटा मेरा है, इसलिए हम बहुत कष्ट में है, तकलीफ में है, इसलिए कि मेरा बेटा है। नहीं, और हम क्या कहें। मेरा नाम हुआ शमसुल हक खान, लहिका के हम एक्स प्रमुख हैं। अच्छा, अभी जो इनको फांसी की सजा हुई है सहाबुद्दीन को, इनमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या और असत्य है, इसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं, पेपर के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा है, न्यूज में भी सुना है, सच्चाई ये है कि उस लड़के के वालिद शब्बीर अहमद साहब हैं जी, और ये हमारे साथ पंचायत समिति भी थे और लगातार 3 टर्म से ये 4 टर्म से ये यहाँ के इस पंचायत के पंचायत समिति हैं, पूरे ब्लॉक में ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। और यही वजह है कि ये ब्राह्मण का गांव है और उसमें ये अकेले एक घर है, ठीक है,
और उसके बावजूद भी ये तीन बार, बहुत सारे लोग चार बार से लगातार ये पंचायत समिति बन रहे हैं, इनके बारे में कुछ क्या करना है। अब रही बात बच्चे की, तो हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छा करे, और अच्छे करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए इन्होंने अपने बच्चे को बाहर भेजा, और वो कहीं चला गया तो उससे तो कोई लेना देना इनका नहीं है और नहीं रहा है तो, और इनका जो परिवार है, ये बात सही है कि ये सुन करके हम लोग भी मर्माहत हैं, हम लोगों का भी अफसोस है, लेकिन जिस चीज़ से, जिसके कारण वो हो रहा है, उसमें हमको क्या करना है, जो हुआ है वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। जब वो गांव में रहते थे तो उनका मतलब क्या चरित्र था? नहीं, गांव तक तो क्या व्यवहार था उनका? लेकिन जब तक वो मैट्रिक पास किया है तब तक तो बहुत सभ्य, सुशील और अच्छा लड़का था, ठीक है, भी था। लेकिन अब बाहर जाकर के किस संगत में पड़ गया, इसमें तो कोई गार्जियन या माँ बाप तो कोई रहता नहीं, कोई जानकारी नहीं। जब माँ बाप तो अच्छा करने के लिए बच्चे को बाहर भेजते हैं। जब वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए, उसके बाद नहीं आए घर दोबारा? नहीं, एक बार आया, उसके बाद जो गए, हम समझते हैं उसके बाद से इनसे कोई संपर्क इनका नहीं रहा, और आज तक कोई संपर्क नहीं रहा है, यही तो है। 2006 के बाद से इन लोगों से, इनके परिवार से, किसी से उस बच्चे का संपर्क नहीं रहा। उसकी अरेस्ट कहाँ हुई, ये सब आपको नहीं जानकारी है? नहीं, अरेस्ट तो वही हम लोग पेपर के माध्यम से सुने। कहाँ से हुई थी? लखनऊ चार शायद, यूपी लखनऊ में हुई है वो। ओके सर।